शारो, आज टीवी लोगों में अपना मकाम बनाता जा रहा है। ऐसे दौर में अगर आपको सीरियल का ऑफर मिले तो आप करेंगे? मेरे साथ इस वक्त टीवी सीरियल बनाना इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम। वेरी बिजी, आई डू नॉर्मली वन शिफ्ट अ डे, तो एंड संडेज आर ऑफ, तो 9 to 9 होता है, कभी 2 से 10 होता है, सो आई हैव इनफ टाइम ऑन हैंड, एंड देन संडेज को मैं काम नहीं करता। तो वो 8 घंटे की होती है, तो बाकी जो 16 घंटे रह जाते हैं वो मेरी बीवी के साथ होते हैं। इट्स जस्ट लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि फिल्म स्टार कितना डिवोट करता है, जिसको डिवोट करना होता है वो करता ही है। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है राजू बन गया जेंटलमैन, और ये एक लड़के की कहानी है जो एक छोटे टाउन से, छोटा बनिस्बत बॉम्बे के, छोटे टाउन से बॉम्बे आता है, एम्बिशियस होता है और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, दार्जिलिंग से आता है और बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। बहुत सिंपल और स्वीट लड़का होता है, मगर सिंपल स्वीट का मतलब ये नहीं कि डम होता है। इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, मगर छोटा टाउन से, और फिर बड़े टाउन में आता है कि मैं इस सिटी में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। बट द कैरेक्टर दैट आई एम गोइंग टू प्ले, कि मैं इस फिल्म में क्या करूँगा। कभी कभी मैं बहुत छोटा रोल भी कर लूँ फिल्म में अगर मुझे अच्छा लगे, ऑफ बीट फिल्म भी कर लूँ मैं कभी यहाँ कभी ना जैसी, बिकॉज दैट कैरेक्टर वट आई एम प्लेइंग शुड भी इंजॉयबल, कि जो मैं 100 डेज फिल्म में काम करूँगा दो शुड भी इंजॉयबल। शाहरुख, आज टीवी लोगों में अपना मकाम बनाता जा रहा है, ऐसे दौर में अगर आपको सीरियल का ऑफर मिले तो आप करेंगे? आई हैव बिकॉज टीवी सीरियल आई नो टेक्स अबाउट 3 to 4 days पर एपिसोड, और अगर 20 एपिसोड हों तो तकरीबन 80 दिन या 100 दिन। आई डोंट थिंक आई बी एबल टू टेक आउट, बिकॉज जो इकोनॉमिक वे ऑफ मेकिंग टीवी सीरियल है उसमें यू नीड द आर्टिस्ट देयर ऑल द टाइम, एंड यू नीड देम कम्प्लीटली, कि एक शॉट के लिए भी, दो शॉट के लिए। फिल्म की तरह नहीं होता कि अलग अलग जगह पे शूट हो जाता है ऐसा। इकोनॉमिकली वायबल मेरे साथ इस वक्त टीवी सीरियल बनाना इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम। और लेटली जो सीरियल्स मैंने देखे हैं, आई डोंट थिंक लॉट ऑफ देम आर वेरी एक्साइटिंग, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वेरी बिजी, आई डू नॉर्मली वन शिफ्ट अ डे, तो एंड संडेज आर ऑफ, तो 9 to 9 होता है, कभी 2 से 10 होता है, सो आई हैव इनफ टाइम ऑन हैंड, एंड देन संडेज को मैं काम नहीं करता। तो वो 8 घंटे की होती है, तो बाकी जो 16 घंटे रह जाते हैं वो मेरी बीवी के साथ होते हैं। It's just like any normal human being spending time with his family. It's not a question कि film star कितना devote करता है, जिसको devote करना होता है वो करता ही है। I do very few films. I do 4 or 5 films a year. Very different kind of film. एक रात की कहानी है, और एक struggling actor है जो रात को footpath पर सोता है और hero बनना चाहता है हिंदी फिल्मों में। उसका नाम ही picture में hero है, वो अपने आप को hero ही बुलाता है, अपनी photographs लेकर घूमता रहता है, और एक रात उसको पुलिस आकर वहाँ से भगा देती है, और उस रात के अंदर बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि उस रात को हमारा देश इंडिया बिकने वाला है। तो जो विलन है बहुत स्ट्रांग है, अमरीश पुरी और अनुपम खेर, वो कंट्री को बेच रहे हैं, और कैसे ये हीरो, जो ज़िंदगी में तो हीरो नहीं बनना चाहता था, फिल्मों में हीरो बनना चाहता था, असली ज़िंदगी में हीरो बन जाता है, और उसकी कोई कदर नहीं करता सुबह उठ के। मतलब पिक्चर रात को 10 बजे चालू होती है, 8-9 बजे, और सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाती, एक ही रात की कहानी। और दिन में वो सबको बोलता है कि मैं हीरो हूँ, मैंने इंडिया को बचाया, तो कोई उसको पहचानता नहीं। हमारे यहाँ पे असली हीरो की कदर कम है, फिल्मी हीरो की कदर ज़्यादा है। तो इट्स सेटायर, अ लिटिल बिट ऑफ, इट्स अ कमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म, बिकॉज एक रात में होती है उसका फॉर्मेट, और बहुत मेहनत की हुई फिल्म है। डिफरेंट, आई डोंट नो इफ इट विल बी हिट और नॉट, बट इट्स अ डिफरेंट फिल्म।